हाजीपुर के लिए तो करबे करेंगे, जीतेंगे करेंगे, जैसे अभी जमुई में किए वैसा ही यहाँ भी करेंगे, चकचका देंगे इसको। चलिए, जमुई में आपका केंद्रीय विद्यालय दिए, रेलवे का जाल बिछा दिए, आपका कॉलेज बनवा दिए, तमाम ऐसा जगह जहाँ जंगल था, जहाँ पानी नहीं था, वहाँ पानी पहुँचा दिए, बहुत सारा ऐसा काम किए हैं। हाजीपुर को भी विकसित बनाने का वो काम करेंगे। तेजस्वी यादव ये तो बताए कि अपना उस सीट जीत के गए तो कितना दिन इस राघोपुर में आए हैं, किन के यहाँ कौन मदद किए हैं? जॉब से वही दिए हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ है ना, तो तेजस्वी जी के शासनकाल में हुआ है। कोई जॉब से तेजस्वी की पहले पिताजी के शासनकाल में क्यों नहीं दे दिए थे तेजस्वी जी? हमको बता दीजिए कि आपसे ज्यादा परिवारवाद है, परिवारवाद तो आप किए हुए हैं कि पूरे परिवार आप हमेशा मंच से धसोड़ दे रहे हैं, कार्यकर्ता को मार दे रहे हैं, कार्यकर्ता को गाली दे दे रहे हैं, गेट पर जाने पर मिल नहीं रहे हैं, उनके आवास पर जाते हैं तो धक्का दे के लोगों को भगा देने का काम करते हैं, क्षेत्र में आने की बात तो दूर हो गई। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे विमर्श। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और चार चरणों का चुनाव की समाप्ति भी हो गया। पांचवा चरण की चुनाव की तैयारी जो है लोग दल बदल कर रहे हैं और लगातार जो है राजनीतिक दल है अपने अपने क्षेत्र में जाकर चुनावी दौरा कर रहे हैं। हम अभी मौजूद है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के राघोपुर विधानसभा यानी तेजस्वी यादव के विधानसभा के क्षेत्र में है और तेजस्वी यादव के विधानसभा के क्षेत्र के लोग किसके साथ हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में किसको समर्थन दे रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। एक तरफ जहां कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का गढ़ है राघोपुर और वहां के जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार किसके साथ हैं, क्या लगता है? एक तरफ जहां सिकंदर राम है, दूसरी तरफ चिराग पासवान, कौन बेटर है दोनों में? यहाँ के लोग सिकंदर राम के कोई नामे नहीं जान रहा है, सबसे बड़ी बात यहाँ चिरागमय हो गया है। हम लोग यहाँ 7-8 दिन से राघोपुर में हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर जाति धर्म के लोग में हम जा रहे हैं, हर जाति धर्म के लोगों में चिराग पासवान बस गए हैं। और यहाँ हम सोचते हैं कि कोई शिवचंदर राम जी से कोई लड़ाई नहीं रह गया है, ऑल इन और चिराग पासवान को यहाँ लोग पसंद कर रहे हैं और चिराग पासवान को हर जाति धर्म के लोग वोट कर रहे हैं, इसलिए कोई भरम में न रहे। ऐसा तो हम हर जगह जा रहे हैं तो बोला कि ना ऐसा तो कोई ऐसी है ये ना, भैया आप नहीं हो आते तो हम तो चिराग जी को दिल में बसा के रखे हुए, हम चिरागे के वोट दे भाई, अपना भाषा में लोग बोल रहे हैं। चिराग से इतना लगाव क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव कल चिराग पर हमलावर होते हुए नजर आए, सारे 10 साल सांसद रहे लेकिन अपना क्षेत्र में कितना बार गए चिराग पास में? यहाँ शिवचंदर राम जो है वरिष्ठ नेता है राजद का, तो टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? देखिए, तुलना जब करते हैं तो चिराग पासवान जी का काम के उनको जानकारी होना चाहिए कि जब जमुई में वो 10 साल सांसद रहे तो झाझा से लेकर के आपका जमुई तक चकाई, कैगो आपका केंद्रीय विद्यालय, हॉस्पिटल, तमाम वो जमुई हम देखे थे, वो जमुई देखे थे, आज जमुई जो देख लीजिए कि बहुत सारा ऐसा काम को विकसित कर दिए। आ तेजस्वी यादव यहाँ का विधायक हैं, यहाँ की जनता तो कहते हैं कि कोई तेजस्वी यहाँ नहीं आते हैं, जीतने के बाद हम लोग बाढ़ में डूबते रहते हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। आज मल्लेपुर में 2 लड़का डूब गया है रुस्तमपुर घाट पे, हम तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते हैं कि अभी तक फोन भी करने का वो काम नहीं किए हैं, जो कि चिराग पासवान जी वहाँ पे जा करके अपना उनका लोग अपना भेजे हैं और वो जो भी मदद मिला है चिराग पासवान जी के आदमी जाकर के मदद करने का काम किया है। चलिए, और लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या लगता है शिवचंदर राम बढ़िया है या तो चिराग पासवान? शिवचंदर राम तो यहाँ नजरे नहीं आते हैं, कोई यहाँ का पब्लिक चिन्हवे नहीं करते हैं उनको, यहाँ का क्षेत्रीय है बोल रहे हैं, क्षेत्रीय वर्सेस बाहरी का लड़ाई है, कौन बाहरी है पहचानवे नहीं करते हैं, कौन बाहरी है? चिराग पासवान का तो यहाँ कर्म भूमि है, शुरू से है, उनका बाप दादा सब यहाँ के, बाप के हैं, चाचा के हैं, अपने आप लड़ रहे हैं अपनी बात, लेकिन वो तो जमुई छोड़ के आए हाजीपुर, तो जमुई तो अपना कोई खानदानी चीज मतलब धरेगा ना जी, आप भी धरिएगा हम भी धरेंगे, जो खानदानी मेरा चीज है उसी को ना धर रहा है। चिराग से इतना लगाव क्यों? एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से रोड शो करते हैं और हम जॉब शो करेंगे, और इतना लगाव चिराग से, क्या वजह है? चिराग वैसा काम कर रहे हैं ना तो उनसे लिए इसीलिए उनसे लगाव है जनता को। हाजीपुर के लिए क्या? हाजीपुर के लिए तो करबे करेंगे, जीतेंगे करेंगे, जैसे अभी जमुई में किए वैसा ही यहाँ भी करेंगे, चकचका देंगे इसको।
चलिए युवा है उनसे भी जानने का प्रयास करें, क्या लगता है इस बार हाजीपुर को कैसा सांसद चाहिए? पूरा चिरागमय हो गया है यहाँ पर, कर्मठ कर्मठ युवा है, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं और इनके पिताजी यहाँ पर काम कर चुके हैं, तो उसी अनुसार इनका लड़का भी यहाँ पर आए हैं, चिराग जी भी आए हैं और वो भी जम के काम करेंगे, जमुई करके भी आए हैं। चुनौती कितना, यहाँ तो चुनौती है ही नहीं, तेजस्वी यादव का घर है, अरे घर है तो कोई चुनौती ही नहीं, आप यहाँ तो घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं यहाँ पर, आगे कैंपेनिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पर चुनौती ही नहीं है, बस घोषणा बाकी है, जीत तो कन्फर्म है, घोषणा बाकी है, 4 जून को देखिएगा घोषणा, भारी बहुमत से यहाँ से जीत निकलेंगे चिराग पासवान जी। कितना मार्जिन रहेगा? मार्जिन का 5 लाख पार रहेगा, 5 लाख पासवान का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, टूटेगा इस बार, अपने पिताजी का रिकॉर्ड भी इस बार टूटेगा। एक तरफ तेजस्वी बोल रहे हैं हम जॉब तो देंगे प्रधानमंत्री, जॉब से वही दिए हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन काल में हुआ है ना, तो तेजस्वी जी के शासन काल में हुआ है, कोई जॉब तो तेजस्वी की पहले पिताजी के शासन काल में क्यों नहीं दे दिए थे तेजस्वी जी, देना चाहिए था ना, कंपनी वंपनी सब गए, 17 महीना वो डिप्टी सीएम थे, उनकी सरकार नहीं चल रही थी कि वह जॉब शो कर दिए हैं। और चाचा क्या लगता है हाजीपुर से कौन बेहतर? हाजीपुर में तो अब कोई टक्कर ही नहीं रह गया, पूरा चिरागमय हो गया है, चिरागमय हो गया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं उनके समाज, अरे तेजस्वी यादव ये तो बताए कि अपना उस सीट जीत के गए तो कितना दिन इस राघोपुर में आए हैं, किनके यहाँ कौन मदद किए हैं, उनके आवास पर जाते हैं तो धक्का दे के लोगों को भगा देने का काम करते हैं, क्षेत्र में आने की बात तो दूर हो गई, उनके आवास पर कभी जाइए तो मिलने नहीं दिया जाता है, जनता गरीब गुरबा को जो दुख लेके जाते हैं कि हमारा इस तरह के, आप बोल रहे क्षेत्र के आदमी को नहीं देखते, वो कह रहे पूरा बिहार को रोजगार दिए हैं, बिहार को रोजगार दिए हैं, बताइए आप लोग भी प्रबुद्ध लोग हैं, नीतीश कुमार के अनुशंसा पर उनके हस्ताक्षर से नीतीश कुमार की सरकार में नौकरी बांटा गया है, न कि तेजस्वी जी के सरकार में, वो अपना क्षेत्र में न बताए क्या विकास किए, हम लोग घूम रहे हैं देख रहे हैं, कहाँ उनका विकास कुछ दिख रहा है, और हम और जो यहाँ के आदरणीय चिराग पासवान जी हैं उनके पिताजी का किया हुआ हाजीपुर नहीं, नहीं बिहार के कोने कोने में बता रहा है, भारत के कोने कोने में दिख रहा है, आप ये जो मीडिया के जमाना मोबाइल के जमाना में देख रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ही देन है कि मुट्ठी कर लो दुनिया मेरी जेब में, और आप यहाँ से दूर दराज गांव देहात से आप देश विदेश में देख रहे हैं, बात कर रहे हैं मिनटों में सेकंड में। चलिए महिलाएं भी किसके साथ है इस बार? हम तो चिराग पासवान के साथ हैं बहुत पहले से भी, और आज चिराग जी के साथ का है क्या किया? अरे उनके उनके पापा अच्छा काम किए और ये भी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे, जरूरी है पापा सही करेंगे तो वो करेंगे। नहीं ऐसा उम्मीद है हम लोगों को। चलिए महिला है, देखिए चिराग पासवान का लग रहा है, देखिए चुनावी प्रचार से आ रहे हैं और चिराग पासवान का बैनर लेके आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार कौन राघोपुर से जाएगा? राघोपुर के जनता किसके साथ? किसके साथ? चिराग जी के। काहे चिराग के साथ? चिराग जी के माने सब चीज में सहारा देखते हैं, तेजस्वी को भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा। काहे जी? ऐसे ही नहीं, कुछ नहीं करता है, रोजगार दिए है? नहीं। आ रहे हैं राघोपुर को चमका दिए? नहीं, झूठ गलत बात है, हम लोग गलत बात है, हाँ। गलत बात है, हम सब जहाँ जाइएगा तहाँ हम सब बोलेंगे, राघोपुर हमारा घर है, राघोपुर आपका घर नहीं है लेकिन मेरा घर है, हाँ। मेरा घर है राघोपुर, हाँ। लेकिन मेरा घर है लेकिन कुछ काम नहीं करता है, हम लोग नहीं, हम लोग नारा अबरी दिए हैं, पहले देते थे धरती गूंजे आसमान राम विलास पासवान, अब हम लोग नारा देते हैं धरती गूंजे आसमान भैया चिराग पासवान। दीवानगी जी, हाँ यही दीवानगी के कारण है कि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में सोचते हैं, उनका डॉक्यूमेंट पढ़िए तब आपको समझ में आएगा कि कितना बिहार के लिए सोचते हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जमुई के लिए क्या किया? अरे भाई तो बताएं तो, जो 10 साल सांसद 10 जमुई में आपका केंद्रीय विद्यालय दिए, रेलवे का जाल बिछा दिए, आपका कॉलेज बनवा दिए, तमाम ऐसा जगह जहाँ जंगल था जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँचा दिए, बहुत सारा ऐसा काम किए हैं, हाजीपुर को भी विकसित बनाने का वो काम करेंगे, जैसे हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर को विश्व में गणेश बुक में नाम दर्ज कराने का काम किए थे,
वैसे ही आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ करेंगे। उनका एजुकेशन पर लोग दीवानगी हो, महिला हो, जेंट्स हो, लड़की हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सब लोग उनका काम पर, आज उनका हम लोग काम पर पसीना बहा रहे हैं। पार्टी के हैं क्या? पार्टी से क्या? हाँ, पार्टी से हैं। पसीना खूब बहा रहे हैं इतना बड़ा गर्मी में। तो बिल्कुल बहाएंगे, बिल्कुल बहाएंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार के तो हम ही ने हैं। तो जब हमारे बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहारियों के लिए सोच रहे हैं, तो बिहार हम लोग साथ नहीं देंगे तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैसे बनेगा? विपक्ष का रहा है परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट। विपक्ष का कोई मुद्दे नहीं है। आप यहाँ से विधायक थे तो आप क्या किए? आप यहाँ से विधायक है ना जी, अभी है, अभी भी आप विधायक हैं, तो आपको तो रहना चाहिए, खास करके यहाँ समाज में रहना चाहिए। एक दिन भी आप नहीं आए हैं, आप कहते हैं कि आपसे ज्यादा परिवारवाद है। हमको बता दीजिए कि आपसे ज्यादा परिवारवाद है। परिवारवाद तो आप किए हुए हैं कि पूरे परिवार आप हमेशा मंच से धसोड़ दे रहे हैं, कार्यकर्ता को मार दे रहे हैं, कार्यकर्ता को गाली दे दे रहे हैं, गेट पर जाने पर मिल नहीं रहे हैं। आप क्या है, आपका सोच है भाई? हमारे नेता चिराग पासवान में ये सब सोच नहीं है। उनको जाति धर्म से मतलब नहीं है। वो ऑल इन और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन को लेकर के चलने वाला नेता है। आज आए थे, हर जाति धर्म के लोग को गला मिल लेते हैं, हर आदमी का दुख सुख में साथ हो जाते हैं। तो हम लोग का तो वैसा नेता चाहिए ना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जमुई को भी 10 साल में वो आकांक्षा जिला की सूची में नंबर 1 पर लाए, तो क्या लगता है हाजीपुर के लोग चिराग के साथ आएंगे? और चिराग अगर यहाँ चुन के जाते हैं तो हाजीपुर के लिए क्या करते? हाजीपुर के लिए तो बताएं तो कि आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो अधूरा सपना है वो पूरा करेंगे। चलिए, तो इस वक्त हम मौजूद थे राघोपुर यानी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के राघोपुर विधानसभा में। राघोपुर विधानसभा जो है तेजस्वी यादव का गढ़ कहा जाता है और वर्तमान में तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक हैं, लेकिन उनके गढ़ में लोगों के साफ तौर पे कहना था कि हम जो है चिराग के साथ हैं और चिराग हैं जो हाजीपुर को एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे। चिराग पासवान ही है जो हाजीपुर को बदलने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।